हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में जनरल साइंस केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम के बारे में। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को, ये चीज़ें हमें आज के वीडियो में पढ़नी है। तो आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी। इससे पहले हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, राइट। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं राइट नाउ केमिस्ट्री का, विच इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द एटॉमिक नंबर। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाते चलें, काफ़ी बढ़िया सी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपके नोट्स भी बहुत जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एटॉमिक नंबर होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानें कि एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था कि हर एक एटम, ये एक एटम है, हर एक एटम का एक न्यूक्लियस होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है और उस एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन्स एंड, यहाँ मैं लिख देती हूँ, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपको मिलेंगे इस न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जो अपनी ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अगर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं तो 10 ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, उस एलिमेंट, उस एटम का जो है वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इन एन जो बिल्कुल न्यूट्रली चार्ज्ड एटम होता है उसमें। अब ये जो प्रोटॉन्स पी लिखा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर घूमते रहते हैं अपनी ऑर्बिट्स पे, उनके बराबर, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गई कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब हमने ये जाना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमारी ये स्टेटमेंट बनकर सामने आती है दैट एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो एटॉमिक नंबर ई पी जेड, यहाँ पे आप और भी शॉर्ट से अगर कर लें, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, ऐसा कर लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। पर ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट होता है, तो ए इसका जो है डिनोशन नहीं है। हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं एटॉमिक नंबर ए है, मास नंबर बच गया वो जेड है। नहीं, एटॉमिक नंबर में ए, एटॉमिक ए से स्टार्ट होता है ना, तो एक से हम इसको डिनोट नहीं करेंगे, हम जेड से इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये एक कंफ्यूजन है, बाकी ये सारी चीजें तो बिल्कुल सिंपल है। यस, ये मैंने क्या लिखा है इसको हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मास नंबर। अब हमें जानना है कि मास नंबर क्या होता है ना। सो पहली चीज, हम इसे ए से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर। अच्छा, ये मैंने क्या बोल दिया, हमने ये समझ लिया ये इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, ये न्यूक्लियस है जिसमें आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, तो मास नंबर होता है, मास माने भार। हमने क्या बोला था, जो भी एक एटम होता है उसका मैक्सिमम जो मास होता है वो न्यूक्लियस में लाई करता है। तो इसी से समझ लें, इसी से कोई ट्रिक बना लें कि जो न्यूक्लियस में भार होता है, तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द मास नंबर ऑफ दैट एटम, ठीक है जी। सो यहां से मास नंबर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं, तो भी हम मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपको समझना है। अब हमारे पास इसका यूज आता है, देखिए ये आपका कोई भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब जो इसके टॉप पे यहां पे लिखा जाता है क्या, मास नंबर, और इसके बॉटम पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ए फॉर मास नंबर, जेड फॉर एटॉमिक नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, जब हमने रिप्रेजेंट करने होते हैं उसके मास और उसके एटॉमिक नंबर्स।
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि हमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। हमें इस तरह से किसी एटम के बारे में तीन चीजें मिली हैं, एटम का नाम, उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक नंबर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है इसमें। न्यूट्रॉन्स हम देखिए, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो हम इजीली निकाल लेते हैं, प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही वही उसका एटॉमिक नंबर है। अब जब आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया, मास नंबर आपको पता है, इन दोनों को माइनस कर दो, जो आ गया आपका आंसर वो न्यूट्रॉन्स है। ठीक है जी, अब दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो ये है दैट हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, पर थोड़ा सा और डिटेल में से जान लेते हैं कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो, आपको कुछ चीजें दी गई हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स किस में कितने हैं, वो अभी हम देखते हैं। देखिए, पहले प्रोटॉन्स की बात करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना प्रोटॉन, है ना? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, नेक्स्ट हमें जानना है कि हम न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमने जाना मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। दूसरा, हम जानते हैं कि एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तब भी हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको कहाँ पे मिलेगा? बोथ ऑफ दीज नंबर्स कैन बी फाउंड ऑन पीरियोडिक टेबल, जो आपका पीरियोडिक टेबल है वहां पे मिल जाता है। इस तरह से हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट किया होता है। यहाँ पे एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म होती है ना, यहाँ पे उसका नाम होता है, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे उसका एटॉमिक वेट होता है। तो इन दोनों को माइनस करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। थर्ड हमारा आता है इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का तो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होती है, प्रोटॉन्स जो है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, सो इलेक्ट्रॉन्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट फॉर न्यूट्रली चार्ज्ड स्पीसीज। न्यूट्रली चार्ज माने कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? अगर मान लीजिए प्लस की 10 चीजें हैं, माइनस की 10 कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? आंसर जीरो आ रहा है। इसी जीरो को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रली चार्ज्ड। अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या चीज इसमें डिफिकल्ट है? कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप न्यू हैं, आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, सब कुछ भूल चुके हैं, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 3-4 बार इस चीज को रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे ये क्या ही था, सो सिंपल, है ना? चलिए, नेक्स्ट आता है, एक टर्म होती है न्यूक्लियॉन्स। हम न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? हमें न्यूट्रॉन्स पता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पता है, पर न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अच्छा, वापिस हम ऊपर वाले डायग्राम पे आते हैं। यहां मैंने आपको बताया कि आपका पूरा का पूरा एटम है, ये ऑर्बिट्स है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसमें होते हैं हमारे क्या? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब वापिस आते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, इनको हम एक साथ बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी, अब हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस में होता है? न्यूट्रली चार्ज्ड स्पेसेस में होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, प्रोटॉन्स कम है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एनायंस। अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, हम उसे क्या कहेंगे? कैटायंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है। यहाँ पे प्रोटॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है जी, देखिए छोटी सी बात थी, पढ़ के हमने कंप्लीट कर दी। इसी के साथ आपको लगता है कि कोई चीज मुझे समझ में नहीं आई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा मोटा वीडियो बना दूंगी। बट अगर आप अभी बताते हैं, अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो, देखिए उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक पेज पे हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो जब वो पेज टूट जाता है दूसरी बार उसे स्टार्ट करना मुश्किल रहता है। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो जीएस रिटर्न नोट्स परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हमें क्या पढ़ना है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट करें, जो मैंने पढ़ाया है उसे पढ़ें, करंट अफेयर्स पे फोकस करें, जो भी सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ रहे हैं उस पे फोकस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।